नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल संवर्ग की सूची एक जो है वो प्रकाशित की गई थी। अभी वर्तमान में सूची दो जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार से प्राविधिक चयन सूची है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसमें मेरिट सूची इस प्रकार से जारी की गई है। प्राविधिक प्रथम चयन सूची फार्मासिस्ट ग्रेड टू की इस प्रकार से है। 64 मार्क्स के साथ में दिव्यांग सिंह राजपूत जो है प्रथम स्थान पे हैं। आरती वर्मा 61 के साथ में दूसरे स्थान पे, निशा शर्मा करके जो है 54 के साथ में चौथे स्थान पे, अरविंद राठौर करके हैं 54 के साथ में पांचवें स्थान पे, और देन उसके बाद में विनय बघेल हैं, प्रदीप दंडोतिया, सच्चिदानंद सूर्यवंशी, सर्वेश कुमार, श्वेता सामनेर, विनय कुमार पांडे, लेब अटेंडेंट के लिए विनय कुमार पांडे, भगत वास्केल, अविनाश कुमार शर्मा 30 अंक के साथ में ये लोग हैं। एक ईडब्ल्यूएस से, एक एसटी से, और एक फिर ईडब्ल्यूएस से आया है। प्राविधिक सूची फार्मासिस्ट ग्रेड टू की इस प्रकार से हैं। सीधी भर्ती संविदा के जो रहेंगे वो उनकी सूची इस प्रकार से हैं। फिरोज खान है 51 के साथ में प्रथम स्थान, और भूपेंद्र प्रताप सिंह 49 अंक के साथ में दूसरे स्थान पर हैं। माखन लाल खुरवंशी ये जो है टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर के लिए 40 अंकों के साथ में पहले स्थान पर हैं। प्राविधिक सूची ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वर्षा करील करके हैं 29 मार्च के साथ में अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रियंका द्विवेदी का चयन हुआ है, 51 अंक है इनके। कैलाशधर द्विवेदी। तो इस प्रकार से ये जो मेरिट सूची है वो जारी की गई है। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए ये सूची जारी है। दस्तावेजों में क्या क्या ले जाना है आप मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें आप मेरे साथ में अंत तक बने रहे। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से रहेगी। दस्तावेजों का सत्यापन कब से कब तक है। उक्त सूची में सम्मिलित समस्त उम्मीदवार दिनांक 20/9/2021 दिन सोमवार को समय प्रातः 10:30 से 5 बजे तक शासकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल के अस्पताल व्याख्यान कक्ष लेक्चर थिएटर में स्क्रूटनी समिति के समक्ष मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ में उपस्थित रहेंगे। एमपी ऑनलाइन का फॉर्म रहेगा, फिर आपका प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड ले जाना है, 10वीं 12वीं की अंक सूची और अर्हताकारी जो आपकी डिग्री है उससे संबंधित आपके दस्तावेज ले जाने हैं। उसके बाद में मास्टर डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, फार्मेसी काउंसिल या पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन है वो भी ले जाना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जातीय प्रमाण पत्र ले जाना, आय का प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को इसमें सम्मिलित करना है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र अगर किसी का लागू हो रहा है तो वो 6 माह से अधिक पुराना न हो, इसकी भी आप जो है वो जानकारी ले लेना कि आपका जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो 6 माह से अधिक पुराना न हो। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संबंधी जो जिला सैनिक बोर्ड रहता है, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, वहाँ का प्रमाण पत्र आपको लगेगा। इसमें परिचय पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। और शासकीय अर्धशासकीय अगर आप सेवारत हो, कार्यरत हो कहीं पे, तो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको लिखवा के नोटरी करा के उपस्थित होना है। और सभी लोग जो हैं इन सभी दस्तावेजों का पालन करें। संविदा श्रेणी के चयनित उम्मीदवार न्यूनतम 5 वर्ष तक समान पद पर कार्य करने का आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आप कार्यरत हैं तो मूल नियोक्ता से के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिएगा। यदि तलाकशुदा या परित्यक्ता कोई महिला है तो उसको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको नोटरी कराना रहेगा। और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ जो एक आपने प्रवेश पत्र के समय लगाया है वो आपको ले जाना है, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। और अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो ले जाना है। समस्त मूल दस्तावेजों की 100 प्रमाणित छायाप्रति
इसके दो, ये जो समस्त दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं इसके दो सेट आपको बनाना है और उसको स्व प्रमाणित करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। देन उसके बाद में उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित होने अथवा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित करने का आशय नियुक्ति प्रदान करना नहीं है। वरीयता सूची अनुसार ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। और आपको मैं जो मुख्य जो डेट्स हैं वो बता देता हूँ आपको। दिनांक 20/9/2021 दिन सोमवार को आपको सभी लोगों को 10:30 से 5 के बीच में उपस्थित होना है। यही आवश्यक जानकारी थी जो पैरामेडिकल संवर्ग में द्वितीय सूची में आवश्यक थी आपको बताना। इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP के साथ में। जय हिंद।